हैं उस पर ज्यादा वोट करती हैं, तो महिलाओं को साधने के लिए सीधे डायरेक्ट कैश उनके खाते में जा रहा है। और इसका इम्पैक्ट इतना है मानक जी, मैं बताऊं कि एक घर में अगर 3-4 महिलाएं हैं तो उन्हें 1250 अब 1500 हो रहा है, और उसे बढ़ा करके आगे ले जाना है 3500 से ऊपर, उसका बड़ा इम्पैक्ट है। और ये वाकई में इस वक्त चुनाव का जो थोड़ा बहुत बीजेपी को लास्ट में जो माइलेज मिल रहा है वो इस योजना की वजह से मिल रहा है। ओके, ऑलराइट, जल्दी से अब ग्राउंड जीरो पर भी ले चलता हूं आपको, सर्वे के साथ साथ थोड़ी जनता की राय भी हम सुनते चलेंगे। विपिन के पास चलते हैं, भोपाल में है विपिन, मेरे सहयोगी कुछ लोगों के साथ हैं। विपिन, 2-3 सवालों के जवाब हमने दिखा दिए, जैसे महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, इन तीन में पूछा तो सबसे बड़े मुद्दे महंगाई और बेरोजगारी निकले। उसके बाद हमने पूछा किसको जिम्मेदार मानते हैं, तो काफी लोग, ज्यादा लोग कह रहे हैं कि हम एमएलए को जिम्मेदार मानते हैं। जरा लोगों से पूछिए जो उनकी समस्या है, सिर्फ एमएलए जिम्मेदार है या सरकार? बिल्कुल बिल्कुल मानक जी, देखिए जिन मुद्दों पर हमने सवाल किए हैं दरअसल वही मुद्दे मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में देखने को मिल रहे हैं। कुछ लोग भी हैं जिनसे बात करेंगे। आपको क्या लगता है, देखिए हमारे जो सवाल हैं ओपनिंग पोल में उसमें ये सवाल किया गया है कि जो मुद्दे हैं, पहले बेरोजगारी पे हमने बात की, फिर इसके बाद हमने भ्रष्टाचार की बात की, इसके अलावा महंगाई, तो इन मुद्दों को आप लोग क्या देखते हैं जमीनी स्तर पर, इन मुद्दों पर जो है जो प्रतिक्रिया आती है उनको किस तरह देखते हैं मध्य प्रदेश? मेन मुद्दा तो महंगाई का है, क्योंकि दिन ब दिन जो महंगाई बढ़ती जा रही है उससे कहीं ना कहीं तो ये इफेक्ट कर रहा है, क्योंकि आप देख लीजिए सबसे ज़्यादा टैक्स एमपी में ही लग रहा है, जहाँ पेट्रोल की कीमत बढ़ती जा रही है, 2 रुपये सस्ता होता है 4 रुपये महंगा हो जाता है 2 दिन बाद, तो कहीं ना कहीं महंगाई का मेन मुद्दा तो महंगाई का ही है। दूसरा है कि जो भ्रष्टाचार है उसको कम किया जाना चाहिए, कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार भी आ रहा है, जैसे अभी पटवारी की भर्ती में देखा आपने, जो काबिल हैं कम से कम उनकी तो ज्वाइनिंग कराना चाहिए, जो काबिल नहीं है उनको जहाँ पे लगा आपको कि भ्रष्टाचार हुआ है वहां पर उनकी वैकेंसी रद्द करके उनको निष्कासित किया जाना चाहिए, उन पर कार्रवाई होना चाहिए। बिल्कुल। अच्छा ये बताइए कि स्थान हमारे सर्वे में जो आया है सामने कि स्थानीय जो नेता हैं वो कहीं ना कहीं उस चीज इन मुद्दों के लिए जिम्मेदार हैं, जो स्थानीय विधायक हैं सबसे पहले वो जिम्मेदार है, इसके बाद मुख्यमंत्री, बाकी लोगों के अलग अलग तरह के ब्यूरोक्रेट्स की प्रतिक्रिया। आपको क्या लगता है इस तरह के जो मुद्दे होते हैं, बेरोजगारी या फिर भ्रष्टाचार या फिर महंगाई, आप किस तरह से देखते हैं? देखिए ऐसा कि स्थानीय नेता को आगे बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए, कि लोगों से जनसंपर्क करें कि बेरोजगारी को किस तरीके से दूर किया जा सकता है, महंगाई को किस तरफ से कम किया जा सकता है, लेकिन वो सिर्फ एक बार इलेक्शन होने के बाद आते ही नहीं पब्लिक के बीच में, पब्लिक का कोई ओपिनियन नहीं रखते। आप अगर बेरोजगारी और महंगाई कम नहीं कर सकते, एटलीस्ट उसके लिए कोशिश तो की जा सकती कि हम किस तरीके से बेरोजगारी को बढ़ाएं, नए संसाधन लाएं, इन्वेस्टर्स लाएं ताकि उद्योग खुलें। कौन जिम्मेदार है? स्थानीय नेता से लेकर सभी बड़े लीडर्स इसके लिए पूर्ण रूप से जिम्मेदार हैं, चाहे मुख्यमंत्री हो, सांसद हो, विधायक हो, या इवन मोदी जी हो, या फिर कोई भी आने वाला भूतपूर्व जो सरकार में, जो भी सारे ब्यूरोक्रेट से लेकर सभी इसके लिए फुली रिस्पॉन्सिबल हैं। आपको क्या लगता है कि जिस तरह के मुद्दे, क्योंकि बेरोजगारी बड़ा मुद्दा है, भ्रष्टाचार है, महंगाई तो है ही, हमारे सर्वे में जो चीज आई है निकल के उनमें आप जमीन पर क्या देखते हैं? सर्वे हमारा होगा, आप किस तरह से? जमीन पे तो ये देखने में आता है कि जो नेता है वो अभी मतलब एक जो लॉलीपॉप अभी बांट रहा है बीजेपी सरकार जो दे रही है, लाडली बहना हो गया या अन्य और भी योजनाएं हो रही है, ये सिर्फ चुनाव तक के लिए होती है, उसके बाद नहीं आए। विपिन लौटूंगा आपके पास। विपिन थैंक यू फिलहाल इस